पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार गुरुवार को राष्ट्रीय बजरंग दल अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के नेतृत्व में मुरादाबाद महानगर के इंपीरियल चौराहे पर लव जिहाद का पुतला फूंका गया। वहीं अपर नगर मैजिस्ट्रेट के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा गया। वहीं राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय रोहन सक्सेना ने बताया कि आज देश के अंदर लव जिहाद की घटना बहुत बड़े पैमाने पर पड़ रही है। जिस दिन से लिव इन रिलेशनशिप को प्रशासन और शासन के द्वारा अनुमति मिली है तब से इन घटनाओं में वृद्धि हुई है। आज राष्ट्रीय बजरंग दल मुरादाबाद के द्वारा इंपीरियल चौराहे पर और पुतला फूंका गया है और महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें जो श्रद्धा का मामला हुआ है दिल्ली के अंदर, वो आफताब नाम का हमारी बहन बेटी के साथ लव जिहाद करा, उसको मार दिया, उसको काट दिया और 35 टुकड़े दिल्ली में फेंक दिए। राष्ट्रीय बजरंग दल मांग करता है ऐसी मानसिकता रखने वाले जिहादियों को बीच सड़क पर गोली मार दी जाए और उनका शव तब तक न उतारा जाए जब तक चील कौवे कुत्ते उसके मांस को न खा जाए, ताकि इनकी पुश्ता याद रखे कि लव जिहाद करने का क्या परिणाम होता है। हमारी बहन बेटियों को, हमारे परिवारों को भी सचेत रहना चाहिए कि हम अपनी बहन बेटियों की रक्षा करें। हम उन्हें बताएं कि हमारे आदर्श झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हैं, ये शीला की जवानी या मुदनी मुन्नी बदनाम होना हमारी परंपराएं नहीं है। हम अपनी बहन बेटियों को भी समझाएं और इन मानसिकता रखने वालों के साथ सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करे और पूरे देश के अंदर लव जिहाद पर प्रतिबंध का कानून बनाए। वही ज्ञापन देने वालों में राष्ट्रीय बजरंग दल विभाग महामंत्री गौरव सैनी, कैलाश प्रजापति, सुखवीर सिंह, धर्मपाल, मनोज हरिराज, दीनदयाल, अर्पित सक्सेना, पर्व कौशिक आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे।